आ गया, गाड़ी का पेट्रोल चल गया, मैंने ध्यान नहीं करा पेट्रोल का, एक गड्ढे में आ गया, गड्ढी नहीं चाहिए, चलो आवाज आ गए और आगे दिल्ली का लौंडा आ चुका है तुम्हारे बुलंदशहर सिकंदराबाद, और देखते हैं यहाँ पर क्या खाएंगे हम, बिरयानी के साथ यहाँ पर क्या मिलता है ये तो मुझे भी नहीं पता, हलीम या खाली बिरयानी या फिर कुछ और भी होता हो उसके साथ में, तो वो भाई का जी, अरे भैया ये क्या चीज़ रे, अरे भैया जी देखो ज़रा देखो, नहीं दिखा तो भाई मैं खड़ा हूँ इस टाइम पर सिकंदराबाद हाईवे पे जहाँ पे कट रहे हैं बहुत बड़े बड़े प्लॉट, अब ये जगह किसकी है ये तो नहीं पता लेकिन मकान बहुत सारे कट रहे हैं या प्लॉट बहुत सारे कट रहे हैं, लाल ये कृष्णा प्रॉपर्टी के नाम से बोट है भाई, अगर सिकंदराबाद की रोड पे जगह वगैरह चाहिए तो आगे देख लेना, मेरे को तो समझ में आती जगह क्योंकि हाईवे रोड भी है और साथ में रोड में ये मकान बन रहे हैं, जो बात है एक तो होता है खंजर एक होता है बंतवा रोड, तो बंतवा रोड है सामने देखो क्या आलिशान होटल बन रहा है, फिलहाल मैं यहाँ का प्रचार करने लगा यार, क्या कैसा आदमी यार बताऊँ मैं यार, यार मैं तो बताऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो गाइस मैं जा रहा हूँ सिकंदराबाद की बिरयानी खाने और बिरयानी लेके जाने के लिए घर पे, बट एक गड़बड़ी हो गई यार, बिरयानी लेके कैसे जाऊँगा, वो सामान तो मैं कुछ लेकर नहीं आया लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि बिरयानी ले आने के लिए कुछ सामान हमें वो दे दे, ठीक है गाइस। अगर मैं आपसे कहूँ कि दिल्ली का लौंडा सिकंदराबाद की बिरयानी खाने के लिए आ गया है सिकंदराबाद, तो क्या आप मेरा यकीन मानोगे, तो जी हाँ मैं दिल्ली का सीलमपुर जाफराबाद का रहने वाला दानिश, और आज मैं आया हूँ सिकंदराबाद बिरयानी खाने, तारीख है 13 अक्टूबर की, वक्त है सुबह 7:56 के, और मैं खड़ा हूँ सिकंदराबाद के हाईवे पुल पर, एक घंटे के अंदर पूरा मैं 7 बजे घर से निकला था और 7:56 हो रहे 4 मिनट पहले मैं सिकंदराबाद पहुँच चुका हूँ, यानी कि पूरे 56 मिनट के अंदर मुझे सिकंदराबाद लगाई है गाड़ी मैंने, और गाड़ी खड़ी मेरे पीछे ये मेरी जान मेरी रानी, तो क्या आपने मेरी बात यकीन मान लिया, तो यकीन मानने के लिए आपको जाना होगा मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है दानिश बाइक सेल, अब मैं दिखाऊंगा उसमें पूरा व्यू, एक एक आइटम एक एक चीज़ कितने की बिरयानी मिलती है और क्या क्या मिलता है, क्या रुपये किलो आती है, हर चीज़ की मैंने पूरी वीडियो बना के डाली अपने YouTube चैनल पर, तो जाएँ YouTube पर जा कर के मेरी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे सपोर्ट करें, बाकी रोड है ये वाला सीधा आगरा मथुरा अलीगढ़ फरीदाबाद ग्वालियर पता नहीं कहाँ कहाँ मैन हाईवे रोड है, लाल कुएं से रोड सीधा आता है यहाँ पर, सर गाड़ी खड़ी मेरी पीछे ये मेरी, जिस पर अगर आप लोग सोचेंगे मैं आया कहाँ पे हूँ तो मैं आया हूँ इस गाड़ी पर भाई, ये है कि मेरी गाड़ी, और दिल्ली से लेकर यहाँ तक 56 मिनट का वक्त लगा है, पूरा 56 मिनट में मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और बाकी पीछे का व्यू दिखा, तो भाई चले अंदर सिकंदराबाद के अंदर एंट्री मारते हैं, बिरयानी बिरयानी खाते हैं भाई, भूख शोक लड़ी बड़ी तेज की, और ये देखो तुम्हारे भाई के बाल भी सारे ख़राब हो गए, देखो कैप लगाऊंगा यार, कैप लगाने से ना बाल उड़ते हैं तुम्हारे, मैं कैप लगाता नहीं हूँ क्योंकि मैं पहले बहुत कैप लगाता था, इसी की वजह से आते से आते मेरे बाल उड़ गए, कोई कहता पैसा आने वाला है, कोई कहता बाल उड़ा, कोई कहता टेंशन हो बाल उड़ते, पता नहीं क्या क्या मुसीबत है, जितने हम उतनी बातें, फिलहाल मुझे ये लगता है कि मैं कैप लगाता था इसलिए मेरे बाल उड़ रहे हैं, ठीक है मुझे ये लगता है, और चलो सिकंदराबाद के अंदर एंट्री मारते हैं फिर जाके तुम्हें बातें करते हैं, वहाँ बैठते हैं कुछ देखते हैं खाना वाना खाते हैं, पहले तो एक कोल्ड ड्रिंक पिए क्योंकि हल्ला खुशक हो गया चलते चलते, सुबह से चलते 56 मिनट रेगुलर गाड़ी चलाई है, ओके गाइस मिलते थोड़ी बहुत देर में, तो भाई फाइनली आ चुका हूँ मैं सिकंदराबाद बिरयानी की दुकान पर, और ये भाई मुझे जी बात फोन पे पेटीएम ले नगद लिए रुपए से, क्या नाम भाई क्या नाम है अब्दुल सलाम, हाँ जी भाई का नाम है अब्दुल सलाम, सिकंदराबाद बिरयानी खाने आओ तो भाई के पास आना, पानी की बोतल भी इनसे ली मैंने, और बढ़िया दुकान भाई की, बस कैश लेकर आना भाई, फ़ोन पे पेटीएम नहीं लेते हैं नगद लेते हैं, अब बिरयानी के लिए मैं रुका हूँ आस मोहम्मद वाली दुकान पर, बिरयानी का पॉइंट आस मोहम्मद बिरयानी पॉइंट की शॉप पर, अब गली में दुकान और मैं तुम्हें लेके चलता हूँ बिरयानी दुकान पे, क्या दिखा रहा हूँ बैक कैमरे से, कम से कम 200-300 ग्राम तेल बह गया गाड़ी का, नुकसान हो गया फिर कोई नहीं, चलो डलवा लेंगे लाल बिरयानी खाते हैं, हाँ कोई बात नहीं भाई, दो कबाब लगा देना, अच्छा वहाँ बैठ जाए वहाँ, भाई पूछ रहे कुछ या खुद लेके जाने हमें यहाँ से, हम खुद लेके जाएंगे यहाँ से या भाई पहुँचाएगा कोई, ना ले आ भी सकते हो पहुँचा भी देंगे आप, ठीक दो कबाब दे देना और बिरयानी वहीं आ जाएगी, अच्छा था दिखाना एक बार दिखाना दिखाना बिरयानी, ये बिरयानी भाई और कोई चाचा मेरी 250 ग्राम निकाल लेना थोड़ी तरी वाली, भाई बिरयानी का भवन दो कितना बड़ा है, और ये है यहाँ की दुकान कितनी बड़ी दुकान है भाई,
तो वो टेंशन खत्म। मैं कहता था ना बिरयानी पैक कैसे करा के लेके जाएंगे हम लोग, तो पैकिंग का भी हिसाब है यहाँ पर। रास्ते भर में ये सस्ता है कि अगर बिरयानी लेके जाएंगे हम तो मेरी 250 ग्राम से एक जगह कर देना, थोड़ी तरीके से देना लगे हैं भाई। पैकिंग का भी सिस्टम है और बैठ के खाए अपने बिरयानी भाई। रोटी भी दो लाजवाब है, बच्चे का गोश है भाई। ये मजा आवा ना भाई, कबाब भी लगा मेरे बिरयानी में, कबाब दाल खाएंगे देखते कैसे टेस्ट आता। बाकी कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक नहीं हुआ मैंने, ये बेकार ही डेंजर है कोल्ड ड्रिंक। एक अपनी पानी की बोतल ले जाए, पानी की बोतल साथ। खाली पेट में जो है पर पानी पी जाएगा। यहाँ पे कबाब, कबाब दाल खाएंगे बिरयानी यहाँ, और प्याज भी है। प्याज भी इसमें एक प्लेट कर देते, दो दो प्लेट करो खा देंगे भाई। बड़े खा लिया है बिरयानी, ये हमारी सिकंदराबाद की मशहूर बिरयानी की दुकान, मशहूर बिरयानी है भाई, सिकंदराबाद की मशहूर बिरयानी है। बिरयानी देखने को ऐसी रहती है। अब ये चिकन की है, काय की है तो मैंने पूछा नहीं, नहीं चिकन की नहीं है, हमारे छोटे भैंसे के झोटे की। ये हमारी अपनी बिरयानी जो हम लोग खाते हैं, और ये है यहाँ की दुकान का नज़ारा। किलो कितने की आती है? 270। मैं 250 ग्राम में फिट हो गया, मैं 250 ग्राम में फिट हो गया। दो कबाब और 250 ग्राम बिरयानी, मज़ा आ गया। बाकी बच्चों की निकाल रहे पैक भाई, कर रहे पैकिंग यहाँ पे। बाकी ये टेंशन थी हम लोग पैक कैसे कराएंगे, लेके कैसे जाएंगे, अगर लेके जाने का मन हुआ तो पन्नी में कैसे ले जाएंगे, तो भाई पन्नी की टेंशन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास मिल जाता है बॉक्स, इसमें 1.5 किलो बिरयानी आराम से आ जाएगी। यहाँ से अब लेके जाने का मसला है, हम कपड़ों के अंदर रख लेंगे इसको, फिर ले जाएंगे आराम से रख के, ठीक है। अच्छा तो है क्या खूबसूरत जगह है भाई, कैच करो ना सब लोग, क्या नज़ारा है मेरी जान। अब समझ में आया भाई क्या चीज़ है, क्या पॉइंट है। चलो तुम थोड़ा रास्ते को मजा लो, मैं ड्राइव करता हूँ। बताऊँ तुम्हें मैं, तो गाड़ी अब भी आ रही है पीछे, कितना ज़बरदस्त नज़ारा है, क्या खूबसूरत जगह है भाई, वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत मस्त जगह है यार। देखो देख गई कितनी सारी है भाई, बाहुबली की शूटिंग वाली सीन लग रहा है। तो भैया मैं तो भागने में फ़ायदा लगता है, मैं बताता हूँ थोड़ा चश्मा। अरे धूप आ रही है बड़ी ख़तरनाक, तो आँखें देख लेंगी, बेहतर है कि हम लोग चश्मा गोगल लगा के रखें। और ये देखो नीचे भाई, क्या खाई टाइप का लग रहा है, लेकिन खाई नहीं है, नीचे रोड है यार, नीचे रोड है, कच्चा रोड है, नीचे कच्चा रोड है ना, पक्का नहीं है, कच्चा रोड है, उबड़ खाबड़ वाला, लेकिन रोड है नीचे, खाई वाई कुछ नहीं है। और पीछे है शायद दूध की डेयरी है, मैं खाते वहाँ पे मदर डेयरी, अगर आप लोगों को दिख रही हो, या पता नहीं दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी, बाकी इतनी दूर है वो, बहुत दूर है, बैक कैमरे से दिखाता हूँ आप। एक पोस्ट यहाँ का हो गया। सो गाइस ये है, ये अपनी है जानी, ये खड़ी है गाड़ी, इसका एक खींच लेते फ़ोटो, और फ़ोटो खींचने के बाद में चलते आगे, आगे का भी एक कर लेते हैं इस तरीके से। एक लाइन खेल लिया हम सीधे, ठीक है, राजा तो क्रॉस कर लिया मैंने, टाइम पता नहीं क्या हो रहा होगा, मेरे हिसाब से 10:01, हाँ तो 9:10 मिनट में निकला था वहाँ से, 10:01 हो रहा है,
एक घंटा मान लो, क्योंकि अब सुबह तो थोड़ा रोड खाली मिलता है, अब थोड़ा रोड पर ट्रैफिक मिल रहा है। सुबह जाते टाइम में बत्तियाँ नहीं मिली, आते टाइम में काफ़ी बत्तियाँ मिल रही हैं, ये भी फर्क पड़ जाता है। और सीधे सीधे चलते चलते यूँ ही, बिल्कुल ना राइट ना लेफ्ट, हमें सीधे सीधे चलते चलते यूँ ही एक मेट्रो आ जाएगी जिसका नाम होगा दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन। मेट्रो में आपका स्वागत है, कृपया जेब कतरों से सावधान रहें। तो वहाँ आने के बाद उससे आगे फिर अपना घर ही है भाई, अपना घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग आराम से निकल जाएंगे भाई। ये क्या है, गोल्डन पैलेस। हाँ ड्यूक वाला तो आया ही नहीं है, बता मैंने तो कैमरा फटाफट ऑन किया, मैंने कहा ड्यूक वाला ज़रूर रेस लड़ाएगा तो थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा ब्लॉक में, लेकिन वो खस्सी बकरा दूरबीन से भी नहीं आया, पता नहीं पीछे आ रहा है या मुड़ गया। हाँ ये भी नहीं कह सकते ना, हो सकता पीछे मुड़ गया भाई, हम बेकारी में बोले, क्योंकि मुड़ने वाली तो कंडीशन में नहीं था, उसकी गाड़ी का हैंडल रुको सीधा था तो सीधा ही था। मेरी गाड़ी का यार इंश्योरेंस ख़त्म हो रहा है यार, इसका इंश्योरेंस बनवाना है। आ गया तुम्हारा भाई, तुम्हारा भैया, तुम्हारी जान जाफरबाद, आ गया तुम्हारा लौंडा जाफरबाद, जहाँ बोलते हैं वहाँ मत जाना अकेले हाथ। जी हाँ, मेरी दीवानी। वैसे तो आप मेरी सारी बात मान ही जाते हो, फिर भी मैं एक बात मानवा हूँ आपसे, और मैं आपसे बोलूँ कि ये जाफराबाद का लौंडा सुबह 7 बजे सिकंदराबाद गया और 10 बजे वापस आ गया, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? कहाँ है शब्बू? अरे भाई करवा दो उसको, ख़राब हो जाएगी खड़े खड़े यार पूरी गाड़ी मेरी। हो गया इस गाड़ी का, आपका नहीं। कहाँ है शब्बू, कहाँ है? वैसे कहो सही कर दे इसको, ख़राब हो जाएगी सारी, ख़राब हो जाएगी बिल्कुल। हाँ हाँ यार जो बोल रहा हूँ वो कर, सारी गाड़ी ख़राब हो रही है। भाई साहब कमांडो अभी तक सही नहीं हुई, आज कितने दिन हो गए इस बात को यार, 5-7 दिन से ज़्यादा हो गया कमांडो को, खुली पड़ी है ऐसी। देखो खोल के क्या है, सिकंदराबाद सलाम तुम्हारे लिए। सिकंदराबाद की बड़े की बिरयानी। अब्बू नीचे, अब्बू को बैठो थोड़ी प्लेट में, अब फिर निकाल लेना 1.5 किलो पूरी 10:30 बजे।